अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से आज हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी जगह किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द या किसी पॉइंट पर कैसे पता लगाई जा सकती है। अभी तक हमने देखा कि जब भी कोई चार्ज एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, ठीक है ना, अगर आपके कहीं पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके बारे में बात की है, तो अगर यहाँ पर हम ये एज्यूम करें कि हमारे पास कहीं पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए किसी मैग्नेट की वजह से है, ठीक है, तो अगर ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करे, तो आप जानते हैं कि उस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी वो चार्ज अपने आप पर एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग, B द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करते हैं बाय लेटर E, इसी तरह से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बाय लेटर B। तो फोर्स जो चार्ज फील करेगा, अपने आप पर एक्सपीरियंस करेगा, वो होता है क्यू वी बी इनटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ थीटा कौन सा एंगल होता है कि जो एंगल होगा इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर ये चार्ज मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये बन गई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इनके दरमियान एंगल हो गया ये थीटा 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा ये वेलोसिटी वेक्टर है, फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल बन गया, ठीक है ना, इनके दरमियान छोटा एंगल ये, ठीक है। तो ये थीटा एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड शाबाश द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में जब हमने लॉरेंट्स फोर्स देखा। आज हम पता लगाना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि इस एक्सप्रेशन से की मदद से ही हमने इस बी को डिफाइन किया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी हो, डिफाइन करनी हो, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने कहा था उस वीडियो में, अगर ये Q 1 कूलम होगा, मान लीजिए एक यूनिट चार्ज होगा, और अगर V 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यानी एक चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर थीटा 90 डिग्रीज है, तो B किसके बराबर आएगा, तब B आएगा F के बराबर। ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो B इज इक्वल टू F, क्योंकि ये Q 1 है, V भी 1 है, और साइन 90 भी 1 ही होता है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर एक मूविंग चार्ज कितना फोर्स अपने आप पर एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, जब वो चार्ज यूनिट चार्ज हो, और जब वो यूनिट वेलोसिटी से मूव करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। तो ये बन जाती है किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन फिलहाल, कहां से, इस फोर्स के हवाले से। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि ये सारा मामला जो है फोर्स का, ये कहां से आ गया। आप जानते हैं, ये हम पहले कह चुके हैं उसी वीडियो में, कि जब एक चार्ज रेस्ट में हो, शाबाश, उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जब यही चार्ज मूव करे, तो इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है। तो फिर ये बात आती है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास हो जाए, मान लीजिए इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, सपोज ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसमें से एक करंट पास हो रही है, और वो करंट है I। अब अगर इसमें से करंट पास हो रही है, तो एक चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है। आप जानते हैं कि मेटल कंडक्टर्स में से करंट का फ्लो होने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाना, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक मेटल कंडक्टर जब हो, तो उसमें से
अगर हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ही होता है कि इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यानी चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है। आप जानते हैं कि जब एक चार्ज मूव करे, ठीक है ना, किसी भी जगह या किसी भी कंडक्टर में, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो लिहाजा इस कंडक्टर में से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, यानी जब इसमें से करंट फ्लो होगी, तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वही चीज है जो हमें ओरेस्टेड ने बताई थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ओरेस्टेड ने हमें क्या बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जितना करंट स्ट्रांग होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना जो करंट की, जब करंट की डायरेक्शन चेंज की जाएगी, रिवर्स की जाएगी मान लीजिए, तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट की ही वजह से होता है, या आप ये मान के चले कि जो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होता है, मूविंग चार्ज जो इसमें होता है, तो उस मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द होता है, और कंडक्टर में से जब करंट फ्लो हो रही हो तो इसका मतलब ही है कि इसमें चार्ज, इसमें से चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो लिहाजा इसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी हमें पहले हेन्स ओरेस्टेड ने बताई थी 1820 या 21 में, और हम जानते हैं कि यहाँ पर एक नया ही इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसकी बुनियाद है ये फिनोमिना, ये डिस्कवरी, क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप हो जाना बाय द पैसेज ऑफ करंट इन ए कंडक्टर और बाय मूविंग ए चार्ज इन ए कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर में चार्ज को मूव करवाया जाए, या अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाई जाए, तो वहां उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ए फिनोमिना व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जन्म देता है एक फिनोमिना को जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मसला है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द होता है, इसका हम एक फील्ड लाइंस जो है उनका पैटर्न देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से होंगी, और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पर जब हमें वो पता लगानी हो तो वो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। आपने बहुत ही छोटी क्लास में, मैं आपको कहूंगा 10th क्लास में ही आपने इस चीज को पढ़ लिया है, मगर शायद वहां क्लास 10th में इतना सीरियसली इसको हम पढ़ते नहीं है या लेते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको फिर से करते हैं। क्या कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए हम एक पहले सबसे छोटा सबसे पहली बात जो करेंगे वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि मान लीजिए आपके हाथ में आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। अब एक कंडक्टर जो है, आपने इस कार्डबोर्ड में से, ये आपका कार्डबोर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ये कार्डबोर्ड आपने ले लिया हाथ में, ठीक है। मेरा जो ये, मैंने जो लेफ्ट हैंड अपना आगे कर दिया, इसको आप मान के चल सकते हैं ये कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में से आप एक कंडक्टर जो है पास करेंगे लाइक दिस। इस तरह से आपने इस कंडक्टर को पास किया, कहां से पास किया, एक कार्डबोर्ड में से। अब इस कार्डबोर्ड पर आप कुछ आयरन फिलिंग्स डालते हैं, ये आपका कार्डबोर्ड है मान लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड है, और ये पेन जो है ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इसको आपने इस कार्डबोर्ड में से पास किया है। अब आप क्या करेंगे, आप इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स डाल देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, ठीक है ना, बहुत ही छोटे से टुकड़े आयरन फिलिंग जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह एक आपके पास सॉडस्ट होता है, उसी तरह से एक डस्ट के फॉर्म में इन आयरन फिलिंग्स को आप इसके यहाँ पर, इस कार्डबोर्ड पर छिड़क देंगे। अब आपने जैसे भी छिड़कना है, आपने ऐसे ही उठा के छिड़क, आपने कोई अरेंज नहीं इनको किया बिल्कुल किसी तरीके से, किसी पैटर्न में आपने इनको अरेंज नहीं किया, आपने रेंडमली इनको स्प्रिंकल किया, छिड़क दिया इस कार्डबोर्ड पर। अब इस कंडक्टर में से क्या पास हो रही है, करंट। जब ऐसी करंट, जब करंट पास इसमें से होगी, तो आप इस कार्डबोर्ड को इस तरह से उंगली से, अपनी उंगली से टैप करने शुरू कर देंगे। जब आप इसकी टैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आयरन फिलिंग जो है इस करंट कंडक्टर के इर्द गिर्द अरेंज हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स लाइक दिस। ठीक है, तो
यहां पर आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से ये कंडक्टर जो है आपका कंडक्टर ये है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये आयरन फिलिंग्स आ गई इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए इर्द गिर्द, और उन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर कहां पर है? ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ, इस कंडक्टर पर ही है उनका सेंटर, ठीक है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस कंडक्टर के इर्द गिर्द, वो इन्हीं तरीकों पर है, यानी फील्ड लाइंस जो है अलोंग ये जो सर्कल्स बने हैं इन्हीं सर्कल्स के अलोंग फील्ड लाइंस हैं। मान लीजिए कि ये सर्कल्स नहीं है, ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द सेंटर ऑफ ऑल दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइज ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ। वो कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर पर जो सर्कल से पॉइंट होगा, इस पॉइंट यही पॉइंट बनेगा क्या? यही पॉइंट बनेगा सेंटर इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए। तो पता चला कि जो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स जिस तरह से इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गई अराउंड दिस कंडक्टर, ये दरअसल फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस का पैटर्न यही है। फील्ड लाइंस जो है वो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द वैसी ही हैं जैसे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो, ठीक है, अराउंड दिस कंडक्टर। तो जब भी हमें कहा जाता है व्हाट इज द शेप और व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर, तो हम कहते हैं कि किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड ए पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड अ पॉइंट ऑन दैट कंडक्टर। एक पॉइंट ले लीजिए कंडक्टर पर, उस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे अराउंड अ पॉइंट, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसलिए ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है होती हैं स्ट्रेट एक स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। आप मान के चलें कि हमारा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है? तो इस कार्डबोर्ड में हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना चाहेंगे एक स्ट्रेट कंडक्टर की मदद से, तो हम क्या करेंगे कि हम इस कार्डबोर्ड में शाबाश मान के चलेंगे कि हमने इसमें छेद करके एक कंडक्टर जो है पास किया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक कंडक्टर जो है पास किया है इस कार्डबोर्ड में से। अब इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। कैसे होंगी? वो इस तरह से होंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो डायरेक्शन है यहां पर, अगर हमें बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर एट दिस पॉइंट, तो देखिए इस डायरेक्शन को कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास कई रूल्स है। मैं यहां पर एक सिंपल सा रूल डिस्कस करूंगा जिस रूल को हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी कहते हैं, और दूसरा रूल हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। आप दोनों में से कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं राइट हैंड, चूंकि ये राइट ये सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर इस पॉइंट पर आपको बताना है, पता लगाना है, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल शेप ये है कि ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, और यहां एक पॉइंट ले लीजिए साइड में, इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैं इस वक्त सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम इसके बाद करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन हमें ढूंढना होगा। तो यहां पर फिलहाल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया कैसा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, कि वो है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बताइए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इर्द गिर्द कैसा होगा? किसी कोई भी पॉइंट अगर आप इस कंडक्टर पर लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, इसके नजदीक यहाँ पर या इसके इर्द गिर्द आप देखना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तरीका जो है, पैटर्न जो है वो कैसा है, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है? इतना तो पता चला। अब ये मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, तो
तो इस पॉइंट पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं। अगर हम यहां पर मान लीजिए पॉइंट लें, जैसे मैंने यहां पर ले लिया, तो अगर इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो तो इसको कैसे हम पता लगाएंगे? विद राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से इसको हम ऐसे पता लगाएंगे कि राइट हैंड थंब रूल हमें कहता है, आप इमेजिन कीजिए कि आपने इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लिया है, आपको लेना नहीं है क्योंकि इसमें से करंट पास हो रही है, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन दैट वी होल्ड दिस कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, होल्ड दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड एंड रेज द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए करंट कहां से जा रही है, ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए कि आपने इस कंडक्टर को पकड़ के रखा है अपने राइट हैंड में और आपने थंब को रेज किया है कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन, तब वो वाली डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है। देखिए फिर से थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो थंब जब ऊपर की तरफ है तो जरा देख लीजिए फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही है, क्या वो पीछे की तरफ जा रही है, नहीं वो इस तरफ आ रही है, ये फिंगर्स कर्ल हो रही है। थंब ऊपर की तरफ है और आप देख रहे हैं कि फिंगर्स इस तरफ कर्ल हो रही है, इस तरफ। तो मान के चलिए इस तरफ, इस तरफ ऐसे फिंगर्स कर्ल हो रही है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही है वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, या इन मैग्नेटिक लूप्स की डायरेक्शन वही है। अब जरा बताइए, अगर ये करंट ऊपर की तरफ नहीं जाती, अगर ये नीचे की तरफ जा रही होती तो हमें क्या करना था, हमें फिर से इसको पकड़ना था इन अवर राइट हैंड, मगर थंब किस तरफ रखना था, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ थी, नीचे। क्या हम इसको इस तरफ पकड़े, नहीं, क्योंकि थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ। अब हमें किस तरफ पकड़ना होगा, ऐसे पकड़ना होगा, क्यों, क्योंकि थंब जाएगा नीचे की तरफ और डायरेक्शन ऑफ करंट भी नीचे ही है। जब नीचे की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो, इस तरफ पकड़ना होगा ताकि थंब जाए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे की तरफ ही थंब जाना चाहिए। फिर आप देख लीजिए फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रहे हैं, इस तरफ, ऐसे देखिए, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। जब ये ऐसे कर्ल हो रही हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी करंट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स जिस तरफ कर्ल होंगी वो इस तरफ कर्ल होंगी, ऐसे, इस तरफ, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से एरोज डाल दूंगा इस तरफ टू इंडिकेट कि ये यहां से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लूप्स, ऐसे जा रहे हैं। तो जब ये लूप यहां पर पहुंच जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इन द फॉर्म ऑफ ए लूप है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यहाँ पॉइंट पी पर क्या होगी, क्या ये इस तरफ होगी, नहीं ये अंदर की तरफ होगी, इस तरफ, ऐसे। अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, एक सर्कल, बाहर से एक सर्कल, उसके बाहर से एक सर्कल। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, और ये ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है, ठीक है ना। तो लूप्स इस तरफ से होंगी। जब आप इस पॉइंट पी पर देखना चाहें एग्जैक्ट इस पॉइंट पी पर डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर आप इस लूप को इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट डाल दीजिए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये लूप जा रहा हो। ये लूप कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जब ये इस पॉइंट पी तक हम पहुंच गए इस लूप को लेकर के इधर, तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट डालना है, मगर उस टेंजेंट को बाहर की तरफ नहीं लाना है क्योंकि लूप आपका जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जा रही है इस तरफ, अंदर की तरफ। तो उसी तरफ एक टेंजेंट डाल दीजिए। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होती इस तरफ, तो लूप जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स हैं वो इस तरफ से कर्ल करती, यानी आपके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, उनकी डायरेक्शन ये होती क्लॉकवाइज। फिर इस पॉइंट पर अगर आप देखते तो ये लूप जब इस पॉइंट पर जाता तो देखिए कैसे जाता, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। जब इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती तो आप इस लूप पर टेंजेंट फिर से डाल देंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लूप जा रहा है। देखिए लूप जा रहा है इस तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ। तो इसी तरफ आप एक टेंजेंट डाल दें, ठीक है ना। जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट रहेगी वही रहेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट।
आई बात समझ में? पहले आपने क्या देखा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। उस आपने क्या फिर किया, आपने कंडक्टर को राइट हैंड से इमेजिन किया कि आपने इसको राइट हैंड से पकड़ लिया है, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि थंब जो है वो चला जाए किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर जिस डायरेक्शन में फिंगर्स खुद ब खुद कर्ल हो जाए वो बन जाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप्स या लाइंस। इन लाइंस की डायरेक्शन वही है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी ये फिंगर जो है किस तरफ जा रही है। आप ये इस तरफ कर्ल हो रही है जब करंट ऊपर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, तो इन लूप्स की डायरेक्शन, इन लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इस पॉइंट पर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पर आपको इस जो लूप इस पॉइंट में से पास हो रहा है उस लूप पर आपने टेंजेंट डालना है। अगर वो लूप अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ टेंजेंट डालेगा, अगर वो लूप बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ टेंजेंट डालेगा। और जिस जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगी, यानी अंदर की तरफ है टेंजेंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज शाबाश इनवर्ड्स, और अगर बाहर की तरफ टेंजेंट आ गया देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? और दोनों ही केसेस में मान लीजिए मैंने कंडक्टर को इस तरह से खड़ा कर दिया है, अगर मैं करंट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स हो सकती है। अगर मैं नीचे ला रहा हूं तो इस पॉइंट पर करंट को, अगर मैं नीचे ला रहा हूं तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड्स होगी। लेकिन दोनों सूरतों में वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहाँ पर टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों सूरतों में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड होगा। ये जो बोर्ड है जिस पर आपने इस कंडक्टर को रखा हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। आप जब इस चीज को कॉपी पर बनाएंगे, आप कह सकते हैं व्हेन द करंट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम द रीडर, और इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स। अगर आप करंट को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज शाबाश अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, बट नॉट इनवर्ड्स, इट इज आउटवर्ड्स, और इट इज टुवर्ड्स द रीडर, टुवर्ड्स द रीडर। जब मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर परपेंडिकुलर होता हो तो हम उसको इस एक क्रॉस साइन से या एक डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस साइन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, एंड डॉट साइन अगेन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। बट क्रॉस साइन इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज इनवर्ड्स, एंड डॉट साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल बट आउटवर्ड्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर कुछ क्रॉस साइन्स डालता हूं लाइक दिस, और आपसे कहता हूं इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप झट से कहेंगे क्योंकि ये क्रॉस साइन्स हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इस जगह, इस प्लेन, इस सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऐसे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ से है ऐसे, तो अगर वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्रॉस साइंस जो है क्रॉस मार्क से हमको डाल देंगे। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा लेकिन आउटवर्ड्स होगा लाइक इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर हम उसको क्रॉस साइन से नहीं बल्कि डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट साइन यूजुअली इंडिकेट करते हैं शाबाश द मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड टुवर्ड्स द रीडर, और आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स की तरफ ये परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये कंडक्टर है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऐसे करंट जा रही है ऊपर की तरफ, और आपने बताना है इस पॉइंट पर, मैंने एक साइड में एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसा है। सबसे पहले आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल में आप ये कहेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, शाबाश, आप कहेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, पहले पहले उस फील्ड लाइन, इसका पैटर्न हम देखना चाहेंगे।
तो आप कहेंगे कि भाई देखिए, आपको उसके लिए मानना होगा कि आपने इस कंडक्टर को पकड़ लिया है इन योर राइट हैंड, थंब को रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कर्ल हो गई देखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लिहाजा जो पॉइंट आप कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर भी एक लूप जाएगा, इसमें से भी एक लूप कंसिडर होगा। एक लूप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कोई बहुत सारे लूप्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस केस में। तो इस पॉइंट में से भी ऐसा ही एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है पास होगा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट में से पास होगी इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब वो लूप जो है उसकी पैटर्न को देख लीजिए, डायरेक्शन को देख लीजिए, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो इस पॉइंट पर पहुंच के आपने उस लूप को ही टेंजेंट डालना है उस डायरेक्शन में, वही टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और हमेशा जब करंट ऊपर होगी तो वो टेंजेंट इस तरफ आएगा इनवर्ट्स। अब अगर करंट नीचे की तरफ होगी इस तरह से, इस कंडक्टर में से करंट नीचे की तरफ जा रही होगी, अब आपको फिर से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। वो आपसे क्या कह रहा है, इसको फिर से इमेजिन कीजिए कि आपने पकड़ लिया है, लेकिन नाउ आपने इसको पकड़ लिया है इस तरह से कि थंब जाए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको ऐसे पकड़ना होगा। अब फिर से देखिए, फिंगर्स इस तरह से कर्ल हो रही है, अब ये इस तरफ से यानी इस तरफ से आ रही है क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, उसमें से भी एक कर्ल ऐसा, इसमें से भी एक मैग्नेटिक लूप, उसमें से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल पास होगी, बाहर की तरफ आएगी। और आप जब टेंजेंट इस पॉइंट पर डालेंगे इस सर्कल को, आप वो बाहर की तरफ डाल देंगे इस तरफ से। जब आपने बाहर की तरफ उस टेंजेंट को डाल दिया, तो वो टेंजेंट जिस तरफ जा रहा है वही है वहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली वो फिर से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बट इस टाइम वो जा रहा है टुवर्ड्स द रीडर या फिर आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? तो अगर आप यहां से पॉइंट ले लें, ठीक है ना, तो यहां से पॉइंट लेने पर देखिए, अगर यहां पर पॉइंट है तो एक लूप यहां से इसमें से पास होगा, इस पॉइंट में से टेंजेंट इस तरफ आएगा। अच्छा, अगर इस तरफ करंट जा रही हो नीचे की तरफ, ठीक है ना, और फिर से पॉइंट इस तरफ हो, तो आप इस तरफ से इसको पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है ना, तो लूप जो जाएगा इस पॉइंट में इस तरफ जाएगा, और जब उस पर टेंजेंट डालेगा वो इनवर्ड्स डालेगा। ऐसे आउटवर्ड टेंजेंट को हम इस तरह से, आउटवर्ड डायरेक्शन जब होगी परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल डायरेक्शन होगी, बट आउटवर्ड्स उसको क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनवर्ड्स को डॉट से। तो इस तरीके से मैं यहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होगा इस कंडक्टर, इस वाले पॉइंट पर जब करंट ऊपर जा रहे हैं, तो मैं यहां पर एक क्रॉस मार्क डाल दूंगा, और अगर मुझे इस पॉइंट पर दिखाना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं यहां पर एक डॉट डाल दूंगा। डॉट का मतलब हुआ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, बट इट इज इनवर्ड्स, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, बट इट इज आउटवर्ड्स, और इट इज टुवर्ड्स द रीडर, इट इज अवे फ्रॉम द रीडर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये थी कोई बात, कुछ चंद एक बातें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसके बाद हम पाम रूल भी देखते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी देखते हैं। तो लेकिन ये एक सिंपल रूल है कि आपको राइट हैंड थंब रूल जो है, मैंने एक इस वक्त एक सिंपल रूल के बारे में बात की। अब दूसरी बात यहां पर आती है इस ये वाली कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां पर हमने पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कैसे किया जाए, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, उसके लिए हम आगे इसके बाद का वीडियो आप देख सकते हैं जो इसके साथ ही हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।